Good morning, students. In previous class, we had discussed about property of material. ठीक है, material को हम किस basis पे identify करते हैं? तो first हमने देखा था तो appearance. ठीक है, appearance के according भी हम उसको material को identify कर पाते हैं. Second one is hardness. अब hardness क्या है? तो when you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. क्या कई सारे ऐसे मटेरियल होती है, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, बट कई ऐसे भी होंगे जो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच विथ इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल्स, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सारे मटेरियल्स के ऊपर हमें जो मेटल की है उस उसको क्या करना है, स्क्रैच करना है. नेल पे स्क्रैच करो, स्टोन पे करो, एल्यूमिनियम पे करो, वुड पे करो, चॉक पे करो, कैंडल है. ठीक है, यू कैन ईजिली स्ट्रेच सम मटेरियल. यहाँ पे हम कौन कौन से ऐसे मटेरियल है उसको ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, तो वुड को हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को कर सकते हैं, स्टोन को नहीं कर सकते, कैंडल को कर सकते हैं, चॉक को भी कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन ईजिली स्ट्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्ट्रैच सो ईजिली. मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्ट्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो भी मटेरियल ईजिली स्क्रैच हो जाए, ठीक है, अगर की से हम स्क्रैचेस बनाते हैं ना, हमने दीवार पर स्क्रैचेस बनाते हैं, वुड पे स्क्रैचेस बनाते हैं, तो इसलिए कोई भी मटेरियल को हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं. विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. और जिस मटेरियल को हम ईजिली कंप्रेस नहीं कर पाते, कंप्रेस करने में हमें क्या डिफ़िकल्टी होती है, तो उस मटेरियल को हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट. कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज अ हार्ड. आयरन मटेरियल है, मेटल है, वो क्या है, हार्ड है. बट एज कंपेयर टू कॉटन और स्पॉन्ज की बात करेंगे तो वो सॉफ्ट मटेरियल है. इन अपियरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर्स, हार्डनेस, be rough or smooth. Can you think of other property that describe the appearance of material? ठीक है, material को appearance पर देख के हम describe कर सकते हैं कई ऐसी properties like, ठीक है, तो second one है soluble और insoluble. Material है वो soluble है या insoluble है. ठीक है, चलो activity 4 देखते हैं. इसके लिए collect a sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. ठीक है, टेक अ 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. हर एक बीकर को 2/3 वाटर से हमें क्या करना है, फुलफिल करना है. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. फर्स्ट ग्लास में आपको क्या करना है, शुगर ऐड करनी है. सॉल्ट टू द सेकेंड ग्लास. सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन टू अदर. फर्स्ट जो हमने 5 सैंपल लिए थे, ठीक है, 5 बीकर्स लिए हैं. ठीक है, कितने बीकर्स लिए, तो 5 ग्लासेस और 5 बीकर्स लिए. फर्स्ट बीकर में हमने सॉल्ट शुगर को ऐड किया, सेकंड बीकर में हमने सॉल्ट को ऐड किया है, ऐसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हम अलग अलग कंटेंट ऐड करेंगे. देन आफ्टर हम उसको स्टर करेंगे कॉन्स्टेंट, मतलब कि उनको डिसॉल्व करना है, उसके अंदर पिघल देना है. ठीक है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. थोड़ी मिनट्स हमें वेट करना है. ऑब्जर्व दैट वॉट हैपन द सब्सटेंस एडेड टू वाटर. चलो, वॉट इज डिसअपियर, वॉट इज दस नॉट. आप पे देख सकते हो आप, जो वाटर कंटेन है उसके अंदर शुगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब डिसअपियर हो जाएगी. सॉल्ट है तो वो भी डिसअपियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है. बट थर्ड बीकर है, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, तो चाय पत्ती डाली. चाय पत्ती होती है ना, वो मैंने उसके अंदर एक स्पून डाली है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, मतलब कि हमें वाटर के अंदर बीकर में चाय पत्ती दिखाई देगी. फोर्थ बीकर में मैंने सैंड, ठीक है, मिट्टी डाल दी है, तो वो भी हमें दिखाई देगी. समझ में आ रहा है. सो यहाँ पे जो टेबल है, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर. चलो, सॉल्ट अगर हम ऐड करते हैं तो डिसअपियर कम्प्लीटली ऑन वाटर. ठीक है, वाटर के अंदर वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा. शुगर है तो वो भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी. सैंड है तो डज नॉट डिसअपियर.
chalk powder does not disappear. Sawdust does not disappear. You will notice that some substance have completely disappear or dissolve in water. कई ऐसे substance हैं वो completely dissolve हो जाते हैं, like salt and sugar. समझ में आ रहा है? Salt and sugar completely क्या हो जाते हैं? Disappear हो जाते हैं water के अंदर. It means substance are soluble in water. It means substance are soluble in water. समझ में आ रहा है? Other substance do not mix with water. जो sand है, chalk powder है, sawdust है, ये सारे क्या है? तो वो water के अंदर क्या mix नहीं होते हैं. So do not disappear. Even after a stir, उसको कितना भी आप हिला दो, स्टर कर लो, फिर भी वो डिसअपियर नहीं होते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? तो दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. सिंपल डेफिनेशन हम अगर बोले तो जो भी सब्सटेंस है वाटर के अंदर डिसअपियर हो जाए उसको सॉल्युबल बोलते हैं, और जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है वो वाटर के अंदर डिसअपियर नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर. समझ में आ गया? वाटर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी. बॉडी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? वाटर का. बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस है वो सारे वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है? डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर? तो यस, कई सारे ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है, चलो एक्टिविटी 5 देखते हैं हम. कलेक्ट अ सैम्पल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑइल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप हाफ विथ वाटर, एड अ फ्यू स्पून ऑफ वन लिक्विड टू दिस, स्टर इट वेल, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विथ. जैसे भी हमने सॉलिड में किया था, शुगर में, सॉल्ट में, सैंड में, चॉक में, इसी तरह से लिक्विड में करना है. चलो टेबल ही हम डिस्कस करते हैं किस तरह से करना है. सॉलिबिलिटी ऑफ सम कंपाउंड लिक्विड इन वाटर. चलो विनेगर है तो मिक्स वेल, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. लेमन जूस है, ठीक है, तो अच्छे से मिक्स तो हो जाएगा, हो ही जाएगा ना वो अच्छे से मिक्स. मस्टर्ड ऑयल है तो वो मिक्स नहीं होगा, मतलब डज नॉट मिक्स. कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स. केरोसिन डज नॉट मिक्स. केरोसिन है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, हमें पता है वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते बेटा. समझ में आ रहा है? वाटर एंड ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते हैं. कितना भी आप स्टर कर लो नहीं मिक्सअप हो पाएंगे, वो अपनी अलग से ही सरफेस पे लेयर बना देंगे. देखो ए है तो सॉल्ट सम लिक्विड मिक्स विथ वाटर. देखो बी में देखो सम अदर डू नॉट, मतलब कि जो भी मिक्स नहीं होंगे वो अपर सरफेस पे आके ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, तो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है, ये सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सरफेस पे आके बैठ जाएंगे. We notice that some liquid get completely mixed with water and some other do not mix with water. To form a separate layer when kept aside for a time. थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको अलग से रख देंगे तो अपना एक सेपरेट लेयर वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. लाइक केरोसिन है, कस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ठीक है, ये सारे अपने अलग से क्या करेंगे? लेयर फॉर्म करेंगे. समझ में आ गया आपको? डन. चलो नीचे. Some gases are soluble in water, whereas some are not. Water usually has small quantity of some gases dissolved in it. Water के अंदर थोड़े बहुत gases क्या होते हैं? Dissolve होते हैं. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for a survival of animal and plant that live in water. जो भी plant और animal है वो underwater. ठीक है, जो भी animal and plant है जो underwater live करते हैं वो लोग तो कहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है? तो वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना, वही ऑक्सीजन एज अ वो रेस्पिरेशन में लेते हैं. ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है. ठीक है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल मींस सी में, ठीक है, सी में जो एनिमल रहते हैं, और मान लो कि पॉन्ड में कोई एनिमल रह रहा है, फिश है, ऑक्टोपस है, कोई भी आप एनिमल ले लो, प्लांट्स है, ठीक है, जो कहाँ पे ग्रो होते हैं तो सी में ग्रो होते हैं, तो वो भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वाटर प्रोवाइड करेगा. समझ में आ गया?
Done. Okay. Now, further property कौन सी है? Objects may float or sink in water. कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो फ्लोट करेगा वाटर की सरफेस पे और कौन सा होगा जो सिंक हो जाएगा? तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा, सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है. ठीक है, डन. उसके पहले भी हमने बात की थी कि हार्डनेस क्या है. ठीक है, तो सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट मे फ्लोट और सिंक इन वाटर इन नेक्स्ट क्लास. सो We will meet in next class. Thank you.